हेलो दोस्तों, नमस्कार। नाइस कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज विभिन्न समाचार पत्रों में दी गई सूचनाएं जो रोजगार और शिक्षा से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहली सूचना दी गई है कि SI के 1876 पदों पर भर्ती को आवेदन शुरू हो गए हैं। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स CAPF में सब इंस्पेक्टर SI 2023 एग्जाम के लिए ऑनलाइन आवेदन शनिवार को शुरू हो गए हैं। विज्ञापन में 1876 संभावित रिक्तियां बताई गई हैं, जो घट या बढ़ सकती हैं। दिल्ली पुलिस में पुरुष के 109 व महिला के 53 पद के अलावा CAPF में 1714 पद हैं। अभ्यर्थी 15 अगस्त की रात 11 बजे तक आवेदन कर सकते हैं, जैसा इसकी अंतिम तिथि जो है वो 15 अगस्त है। निर्धारित फीस जमा करते हुए आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार के लिए 16 से 17 अगस्त की रात 11 बजे तक का मौका मिलेगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा अक्टूबर में संभावित है। वहीं दूसरी ओर जूनियर इंजीनियर भर्ती 2023 के लिए आवेदन 26 जुलाई से 16 अगस्त तक संभावित है। इस भर्ती की परीक्षा भी अक्टूबर में होने की संभावना है। तो इस तरीके से आप लोगों के लिए भर्ती SSC CPO SI से निकल कर आ रही है, जिसमें आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो बताया गया है किसकी अंतिम तिथि जो है 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त रात 11 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। अगली सूचना दी गई है कि नए 300 पदों का आया अध्याचन, पुरानी APS भर्ती का पता नहीं। अभ्यर्थियों का आरोप, कोर्ट में प्रभावी पैरवी नहीं कर रहा UPSC। UPPSC की तरफ से इसमें बताया गया है, इस भर्ती का विज्ञापन वर्ष 2013 में जारी हुआ था। अभ्यर्थी हो रहे हैं ओवर एज, LT ग्रेड भर्ती का इंतजार, सौंपा ज्ञापन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC एक दशक पुरानी अपर निजी सचिव APS भर्ती अब तक पूरी नहीं कर सका। इस भर्ती का विज्ञापन वर्ष 2013 में जारी किया गया था। आयोग के पास APS के नए 300 पदों का अध्याचन भी आ चुका है, इसके बावजूद नई भर्ती के इंतजार में अभ्यर्थी ओवर एज हो रहे हैं। APS 2013 के तहत लिखित टाइप और शॉर्ट हैंड की परीक्षा हो चुकी है, इसका परिणाम भी जारी किया जा चुका है। तीसरे चरण की कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा होनी थी, इससे पहले ही आयोग ने परीक्षा निरस्त कर दी। आयोग ने माना था कि विज्ञापन गलत जारी हो गया था, जिसकी वजह से परीक्षा निरस्त करनी पड़ी। साथ ही पुनर्परीक्षा कराने के लिए आयोग के बाद में पुराने अभ्यर्थियों से दोबारा आवेदन भी लिए। इसके बावजूद यह भर्ती अभी तक अधूरी पड़ी है, आयोग ने पुनर्परीक्षा भी नहीं कराई। मामला अब कोर्ट में है। जो अभ्यर्थी लिखित और टाइप व शॉर्ट हैंड परीक्षा उत्तीर्ण कर कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा तक पहुंचे, वो चाहते हैं कि पुनर्परीक्षा ना हो बल्कि पुरानी परीक्षा को ही पूरा कराया जाए। इस मुद्दे पर आंदोलन कर रहे उमेश चंद पांडे और अन्य अभ्यर्थियों का आरोप है कि आयोग कोर्ट में प्रभावी पैरवी नहीं कर रहा है। आयोग मामले को टाले रखना चाहता है, जिसकी वजह से अभ्यर्थी एक दशक से नौकरी के लिए भटक रहे हैं। आयोग को APS के 300 से अधिक पदों का अध्याचन भी मिल चुका है, लेकिन नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया जा रहा है। अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री और आयोग के अध्यक्ष से मांग भी की कि पुरानी और नई भर्ती में जितना अंतराल होगा, अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने के लिए अधिकतम आयु सीमा में उतने ही वर्षों की छूट मिले। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती 5 वर्षों से नहीं हुई है, जैसा कि पिछला विज्ञापन मार्च 2018 में जारी किया गया था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 6000 से अधिक पदों का अध्याचन मिल चुका है, आयोग नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं कर रहा है। इस मुद्दे पर प्रतियोगी छात्रों ने शनिवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों ने LT ग्रेड शिक्षक के साथ प्रवक्ता GIC के पदों पर भी भर्ती शीघ्र शुरू करने की मांग की। प्रतियोगियों का दावा है कि आयोग को प्रवक्ता के 5000 से अधिक रिक्त पदों का अध्याचन मिल चुका है। प्रतियोगी छात्रों ने आयोग के सचिव को प्रसिद्ध ज्ञापन में यह भी मांग की कि कोविड काल में भर्ती परीक्षाएं ठप होने के कारण जो अभ्यर्थी ओवरएज हो गए हैं, उन्हें आगामी भर्तियों में शामिल होने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की छूट दी जाए। ज्ञापन देने वालों में शीतला प्रसाद ओझा, संदीप यादव, प्रिया यादव, सुनील कुमार वर्मा, तो इस तरीके से तमाम छात्र शामिल रहे हैं जो इन्होंने मांग की है। अगली सूचना वह है, इसमें जो बताया गया है आपका कि DRDO ORDL में करें आवेदन, 10 पदों पर इसमें नौकरियां निकली है। कनिष्ठ अनुसंधान अध्येता JRF के पद खाली हैं, इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। ये DRDO से निकली हुई वैकेंसी है। अगली सूचना दी गई है कि ट्विटर संदेश भेजने का भी शुल्क लेगा। अब आप फ्री में ट्विटर से मैसेज नहीं भेज पाएंगे, ट्विटर पर संदेश DM भेजने के लिए भी शुल्क चुकाना होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के प्रमुख एलन मस्क ने ट्विटर DM को ब्लू सर्विस में शामिल करने का ऐलान किया है। इसके तहत जिन यूजर्स ने ट्विटर ब्लू की सर्विस नहीं ली है, वो मैसेज नहीं कर पाएंगे। मस्क के अनुसार इससे स्पैम पर लगाम लगेगी। दोस्तों, ये था आज का वीडियो जो विभिन्न समाचार पत्रों में दी गई सूचना रोजगार शिक्षा से जुड़ी हुई थी। आशा करते हैं कि आपको काफी पसंद आई होंगी। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें।
वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।